दोस्तों, वेलकम टू सॉन्ग क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर वन चैनल सॉन्ग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका इंग्लिश पोएट्री का सेशन शुरू हो चुका है और आप इसमें पूरी तरह से पढ़ रहे हैं एक्सप्लेनेशन को हल करने का शानदार तरीका। और आज इंग्लिश पोएट्री से जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, जो पोएट्री नंबर थर्ड आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसके पोएट आप सब लोग जानते हो कौन है, जॉन मिल्टन जी। तो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन अब आपके सामने है, लेकिन कब आएगा समझ में, जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। एक बहुत बड़ा गुड न्यूज उन सभी स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अनएकेडमिक बहुत ही अच्छा मौका प्रोवाइड करने जा रहा है क्रिएटिव कॉर्नर टाइम आउट के थ्रू। इसमें आपको बहुत सारे एजुकेटर लाइक बताएंगे चेस के बारे में, कोडिंग के बारे में, एक्सेल के बारे में, पोएट्री, अगर आप बहुत अच्छा गाना गा लेते हो, या फिर आप मैजिशियन बनना चाहते हो, या फिर आप ऐप क्रिएट करना चाहते हो लाइक टिकटॉक की तरह, अगर आप ऐप क्रिएट करना चाहते हो, या फिर किसी के माइंड में जोमेटो कैसा बना होगा, किसी के मन में आया होगा खाना खाने का मन कर रहा है लेकिन बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो उसने जोमेटो बना दिया ताकि अगर किसी का खाने का मन करे लेकिन बनाने का नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सके। तो यही सब आपको यहां पर सीखने को मिलेगा और इसका प्रॉपर टाइम टेबल है और ये 31 जनवरी को होगा, जो जनवरी का लास्ट डे होगा, 9 बजे सुबह से होगा। ठीक है, आप यहां पर टाइमिंग देख सकते हो चेस के बारे में 9 बजे, साथ में 10 बजे कोडिंग के बारे में, आप कोडिंग कैसे कर सकते हो, ऐप क्रिएशन 5 बजे होगा। तो जितने भी स्टूडेंट इन सभी के बारे में सीखना चाहते हैं, कुछ आगे चलकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही स्पेशल है। आप 31 जनवरी को इसको फ्री में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लिंक पर क्लिक करके इनरोल कर लो। जैसे ही ये क्लास चलेगा आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, लेकिन वहां पर आपको एक कोड एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लास पे कोड shubham@12 करोगे, आप सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री में अटेंड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर चेकआउट करना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हो आपके सामने, आप मैंने यहाँ 3 स्टैंजा लिखा हुआ है। एक है पहला स्टैंजा आपका है कहां से, When I consider से लेकर कहां का रिटर्निंग चैट तक वाला, और इसका सभी भी स्टैंजा के लिए पूरे पोयम का मैंने आपको अर्थ बता दिया है। और अगर अर्थ, हिंदी अर्थ आप देखना चाहते हो, इसके हिंदी अर्थ समझना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है, लिंक ओपन करके आप इसके हिंदी अर्थ को जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसका हिंदी अर्थ जानने के बाद आपको ट्रांसलेशन की मदद लेनी पड़ेगी और ट्रांसलेट करके इसको आपको लिखना पड़ेगा। और अगर हम बात करें दूसरा आपका जो यहाँ पर है, सेकेंड डस से लेकर डस डॉट से लेकर बेस्ट तक, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे क्वेश्चन में इसको सीरीज उठाकर हर साल, अगर एक साल की गैप भी हो जाए, लेकिन अगर सेशन सातों सेट की बात करें तो किसी ना किसी सेट में ऑन हिज ब्लाइंडनेस से एक्सप्लेनेशन पूछा है, तो आपको इसे पूरी तरह तैयार रखना पड़ेगा। पूरी तैयारी के साथ आपको एग्जाम में जाना है, जिसमें आप थर्ड अगर हम बात कर ले आपके ऑन हिज ब्लाइंडनेस से, जो है हिज स्टेट इज किंगली से लेकर कहां तक, स्टैंड एंड वेट तक, यानी कि आप जानते भी हो, ये आप एक बार देख लो कितने साल, कम से कम 6-7-8, अगर लास्ट 10 साल की बात करें तो उसमें 6-7 बार ये स्टैंजा पूछा जा चुका है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंजा, और मैंने इस चैप्टर से एक बार और बताया हुआ है इस ऑन हिज ब्लाइंडनेस से एक स्टैंजा, और मैं आज इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप जैसे इस वीडियो को अभी तक देखो, आगे भी देखिए, ताकि आपको पूरी तरह इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और ऑन हिज ब्लाइंडनेस सुनते ही माइंड में सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन आ जाते हैं। ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट दिखता है, दिखेगा क्यों नहीं, लिखने वाले जॉन मिल्टन जी जो थे, तो इनके जॉन मिल्टन जी के बारे में मैंने बता दिया आपको, क्योंकि जो काव्य का टैलेंट था उनके अंदर खो रहा था और उसकी शिकायत भगवान से पहले करते, बाद में उनको समझ में आ जाता भगवान तो किसी के साथ, उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं हमारे उपहारों के बदले, तो अब वो उपहार क्या है, तो उन्हें हमारी सर्विस वही है, भगवान की सेवा वही है, जो हम उनके लिए उनके दिए गए कष्टों को सह लें, तो समझिए कि भगवान की सबसे अच्छी सेवा मैंने की है। ये नहीं कि उनको लगे कुछ कह रहे मुसीबत आए तो हम का अपनी गलती न देखे, दोष भगवान का दे, ऐसा नहीं इस चैप्टर में बताया गया है। अंत में पोएट को भी फील होता है वही बात किया है, तो ये स्टैंजा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तीसरे स्टैंजा को मैंने यहां लिखा हुआ है, जो आप क्या देख रहे हो, हिज स्टेट
देखिए एक बार आप समझाते हैं, हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य राजशाही किसका, भगवान का। कहते हैं पोयट हिज स्टेट इज किंगली, इट मीन्स द राज्य राजशाही मीन्स द पोयट सेज दैट ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड किंग ऑफ किंग्स, वह राजाओं का राजा है, भगवानों का भगवान है। और दूसरे बात करते हैं कि thousands at his bidding speed, उसके आदेश सुनने वाले हजारों देवदूत हैं, उसके आदेश सुनने वाले हजारों देवदूत हैं। It means he has thousands angels to carry out his commands, अपने उसके आदेश को सुनने के लिए उसके पास हजारों देवदूत हैं। किसके पास? भगवान के पास, ऊपर वाले के पास। तो अब एंड ओश वो नियुक्त होते हैं, अर्थात वे भ्रमण करते रहते हैं ओवर लैंड धरती पर एंड ओशन महासागरों में विदाउट बिना आराम किए। वे जो हजारों देवदूत थे वो धरती पे समुद्रों में महासागरों में हर जगह विचरण करते रहते, यानी जो भी हर जगह भगवान ने हमारे निगरानी के लिए अपने देवदूतों को रखा हुआ है कि कहां पे हम गलती करते हैं, कहां पे हमसे अच्छाई होती है, सबकी गणना करने के लिए भगवान ने धरती से लेकर महासागर तक देवदूतों को रखा है। आप क्यों चाहे हमारी सबकी गलतियों को देख रहा है भगवान, इसलिए कहा जाता है हमेशा अच्छे कर्मों के साथ मेहनत के साथ आगे बढ़िए। तो आप देखिए दे आल्सो सर्व, वही लोग सेवा करते हैं, वही लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं। कौन से लोग? हु ओनली स्टैंड, जो हमेशा डट के खड़े रहते हैं। किस चीज के लिए डट के खड़े रहते हैं? डिफिकल्टीज मेजरेज, तो माइग्रेज यानी कष्टों में कठिनाइयों में वो क्या होते हैं, जो भगवान के दिए गए कठिनाइयों दिए गए मुसीबतों में डट कर उसका सामना करते हैं, वही भगवान की सच्ची सेवा कर सकते हैं। तो दे आल्सो सर्व, वही लोग सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, एंड वेट मीन्स वेट फॉर रिजल्ट, और परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा, कर्म करिए आप और फल का इंतजार मत करिए। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहिए लेकिन फल की इच्छा मत करिए, यानी भगवान आपके मेहनत का फल एक दिन जरूर देगा, क्योंकि सब्र का फल ही मीठा होता है। तो आप जानिए कि आप भी इतना मेहनत कर अभी मत घबराइए कि आपका एग्जाम आने वाला है, आपकी तैयारी कैसी है, तैयारी तो रिजल्ट आएगा, जितनी आपकी मेहनत होगी वही मार्कशीट पे छपेगा। तो अभी से मेहनत में लग जाइए, आपका डेट शीट आ चुका है और इसके लिए अब से अब तैयारी आपकी मजबूत हो। तो ये तो मैं इसके अर्थ को समझाया, अब इस अर्थ के बाद, अर्थ जानने के बाद कैसे हम ढाई मार्क्स का रिफ्रेश, ढाई मार्क्स का कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन क्लियर करेंगे, अब ये देखते हैं आपको। अभी ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो के साथ, चलिए देखते हैं। ये रहा आपका रिफ्रेंस, अब यानी कि अब जान गए आपकी कैसी जॉन मिल्टन ने लिखा इसको, और इसके कौन से चैप्टर हैं, चैप्टर का नाम क्या है, और हिज ब्लाइंडनेस। जब दो चीजें आपके माइंड में आ जाए तभी बनता है संदर्भ, रिफरेंस तैयार होता है कि कौन सा चैप्टर है, किस चैप्टर से लिया गया है। अब मैंने बार बार बताते आ रहा हूं कि जब भी रिफरेंस की शुरुआत करोगे उसकी शुरुआत आपको दीज लाइन से करनी है। लाइन्स लिख रहे होते हैं हैव बीन, कभी पैसे लिखते तो हैज लिख दिया। लाइन्स का यूज मैंने एक ही तरीका बताया है, इसको ही फॉलो करते रहना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, और प्रोज में लेसन होता है लेकिन पोयम यहाँ पे पोयम है, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम। अब पोयम का नाम सिंगल इनवर्टेड कॉमा में प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लेटर, ऑन का ओ, हिज का एच, ब्लाइंडनेस का बी कैपिटल, ऑन हिज ब्लाइंडनेस चैप्टर का नाम हो गया। कंपोज बाय, रचा गया जॉन मिल्टन, यानी कि ये पंक्तियां जॉन मिल्टन द्वारा रची गई ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक पोयम से, कविता से ली गई हैं। ये आपका ढाई मार्क्स का रिफरेंस बहुत बेस्ट तैयार होता है। अब बात करते इस पूरे में क्या भाव था, इसमें आपने क्या देखा कि कभी क्या कहना चाह रहे, वही आपका कॉन्टेस्ट बनेगा। अरे कवि ने इसमें दर्शाया है कि वो भगवान पे विश्वास करते हैं, शुरू में तो कंप्लेंस होता है, ठीक है, यहाँ बनता है हिंदी में द पोएट कंप्लेंस टू गॉड, वो भगवान को शिकायत करते कि क्यों समय से पहले उन्होंने उनके आंखों की रोशनी
चिल्ली वाई ही हैज टेकन ही आई साइट बिफोर ही एज, क्यों उन्होंने समय से पहले उनकी आंखों की रोशनी छीन ली, तो पहले स्टैंजा का कॉन्टेक्स्ट बनता है। लेकिन इस स्टैंजा लास्ट स्टैंजा तक आते आते उन्होंने उनको आभास हो गया है कि भगवान तो महान है, तो भगवान की महानता के बारे में उन्होंने उनको विश्वास जताते हुए चर्चा किया है। तो कॉन्टेक्स्ट उसी तरीके से एक लाइन का एक बेस्ट कॉन्टेक्स्ट मैंने तैयार किया हुआ है आपके लिए, एकदम याद कर जाओगे, समझ के लिख के प्रैक्टिस कर जाओगे। क्या इन दीज लाइंस, इन पंक्तियों में द पोयर कवि एक्सप्रेसिव व्यक्त करते हैं हिज फर्म बिलीफ, अपने दृढ़ विश्वास को व्यक्त करते हैं इन द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, भगवान की महानता में, भगवान की महानता में अपने दृढ़ विश्वास को व्यक्त करने की कोशिश किया किसने, कवि जॉन मिल्टन ने। उनको आभास हो चुका कि भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, बस क्या होता है समय लेता है, लेकिन करता उसके लिए जरूर है अगर उन्होंने मेहनत वाकई में सच्चा मेहनत किया है, पूरे दिल से सच्चाई से मेहनत किया है, तो एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। यही कामयाबी मुझे आप लोगों के साथ देखनी है। तो अब ये हम बात कर लें एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या में करना क्या होता है, मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस किया मेरे प्यारे बच्चों कि आपको करना क्या है, हिंदी अर्थ मैंने समझा दिया, एक एक अर्थ को पढ़िए, ट्रांसलेट करिए और अपनी भाषा में, यहाँ पर क्या हुआ है लेखक को यानी कवि को जो है पता चला है, वो महसूस कर रहे हैं कि भगवान क्या है, हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य राजशाही है। इन कवि को महसूस क्या होता है कि द पोएट फील्स दैट गॉड इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, भगवान जो भगवानों का भगवान है यानी किंग ऑफ किंग्स, और राजाओं का राजा है। फिर देखते हैं कि थाउजेंड एट हिज बीटिंग स्पीड, हजारों देवदूत है, सेम लाइन है, उसके पास हजारों देवदूत है, तो पास के लिए कहते थे उसके पास एक कलम है, कहते थे ही हैज अ पेन, तो भग उसके पास हजारों देवदूत है, ही हैज थाउजेंड ऑफ एंजल्स, उसके पास हजारों देवदूत है, जो आर ऑलवेज रेडी, जो हमेशा तैयार है टू कैरी आउट हिज कमांड, उसके आदेशों का पालन करने के लिए उसके पास हजारों देवदूत है। आखिर उसने देवदूत क्यों रखा है, ताकि उसके आदेश का तुरंत पालन हो, जहां कहे जिसको जैसे चाहे दंड देना तुरंत दे सके, जिसको जिस तरीके से लाभ देना चाहे उसको लाभ मिल सके, तो उसके हजारों देवदूत है। क्यों, हु आर ऑलवेज, Who are always ready to carry out his commands? तो अब उसके बाद और क्या कि एंड पोस्ट नियुक्त होते हैं, तो वे क्या है भ्रमण करते हैं ओवर लैंड धरती एंड ओशन महासागरों विदाउट रेस्ट, इसी भाषा को अपनी भाषा में वे यात्रा करते हैं। दे ट्रेवल एट क्विक स्पीड, बहुत तेज गति के साथ ओवरलैंड धरती पर एंड ओशन और महासागरों में, वो धरती पर महासागर में बहुत तेजी के साथ यात्रा करते हैं। अब देयरफोर इसलिए द पोएट सेज दैट, इसलिए कवि कहते हैं अंत में, कवि ने कहा है कि द ओनली सर्विस, देखिए लिखा भी गया कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वही व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है जो व्यक्ति ने मुसीबतों का सामना किया और परिणाम की प्रतीक्षा किया। सेम उसी वर्ड को मैं यहाँ पर ट्रांसलेट किया हूँ। देयरफोर द पोएट सेज दैट, इसलिए कवि कहते हैं कि द ओनली सर्विस दैट, भगवान की सेवा वही है दैट जो मैन कैन ऑफर टू गॉड, जो मनुष्य भगवान को समर्पित कर सके, इज टू वेट डिफिकल्टी एट हिज फीट, उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सहते हुए फल का इंतजार कर सके, वही भगवान की सच्ची सेवा कर सकता है। तो अब आपको मेहनत ऐसे ही करनी है और बरकरार रखनी है, और आपके मेहनत का फल मिलेगा। तो मैंने आपके इंग्लिश पोएट्री ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था एक्सप्लेनेशन मैंने समझा दिया है, एक बार इसको आप लिख कर और समझ जाओगे। मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड किया हुआ है, जो लोग बच्चे पेड क्लास से जुड़े हुए हैं वो पीडीएफ पा भी गए होंगे, जो नहीं पाए हैं वो पीडीएफ पाने के लिए शुभम क्लासेज से ज्वाइन हो जाए, जुड़ जाए, और ताकि पीडीएफ पाए और भी सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जा सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, और यदि आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई है, तो अब इसे आपका काम है ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। आज देख रहे जिस भी बच्चे ने अभी शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो शुभम क्लासेस के चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेस्ट नोटिफिकेशन दूर न रहे। तब तक के लिए गुड।